दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल दोस्तों। आज ये थोड़ा सा काम है स्लोप का, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये स्लोप है, स्लोप की कटिंग करूँगा आज मैं, थोड़ा आपको इसकी कटिंग करके बताऊँगा। तो नीचे से शुरू करने से पहले ना मैं ऊपर जाके एक एक ब्लेड मारना, मैंने ऊपर जी ऊपर जाके थोड़ा बताता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, ये ऊपर में मेड सी बनी है ना, पहले इसको नीचे ऊपर ग्रेडर लेके ना इसको पहले ब्लेड मारूंगा, बराबर करूंगा, फिर मैं नीचे से 90 डिग्री में ब्लेड ग्रेडर का निकाल के फिर मैं इसकी कटिंग करूंगा। वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है, आराम आराम से। दोस्तों ये ऊपर ब्लेड मार दिया मैंने, बिल्कुल किनारी सही होगी। अब सबसे पहले क्या करना, अगर जहाँ तक जाए स्लोप के ऊपर आगे वाले टायर लेके ना, जहाँ तक जाए स्लोप की जो ये मटेरियल लूज है, ठीक है, तो टायरिंग कर ले यहाँ तक हो जाए। टायरिंग करने के बाद फिर आप ग्रेडिंग करो। मैं अभी टायरिंग करूँगा इसकी, ये देखो, एक आर्टिकुलेशन का यूज करके बैक साइड नीचे रखनी, जो आगे वाली साइड है वो थोड़ी स्लोप के ऊपर ले लेनी ऐसे, ठीक है। तो ब्लेड थोड़ा इस साइड को स्विंग कर लो, क्योंकि इन्हें कोना लगता रहेगा उधर मिट्टी में। तो टायर लीन भी थोड़े ऊपर कर लो, टायर लीन का मेन मकसद स्लोप में होता है, ठीक है। ये देखो पूरी ये लूज है, तो लूज होने की वजह से टायर ने ये टायर पूरा टाइट कर देंगे इसको, ठीक है। ये सिंगल ब्लेड की स्लोप है, जैसे वो बड़ी स्लोप होती है 20-25 मीटर की, तो वो तो स्लोप के ऊपर ही ग्रेडर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक ब्लेड से तो होगा नहीं। ये देखो दोस्तों, ये जहाँ तक जाए आगे वाला टायर वहाँ तक लेके जाना, और आर्टिकुलेशन का यूज करके आगे वाला हिस्सा लेके जाना, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा जाकर ग्रेडर ज़्यादा टेढ़ा होएगा। ये देखो, तो ये प्रोसेस 2-3 बार करना आपने। अगर आप डायरेक्ट काटोगे स्लोप तो वो कटेगी नहीं, रोलिंग हो रही है। अगर आप डायरेक्ट काटोगे तो कटेगी नहीं स्लोप, क्योंकि लूज रहेगी, वो स्लोप बनेगी नहीं, टाइट नहीं बनेगी, उसका फायदा नहीं है कुछ भी। जहाँ तक टायर जाए वहाँ पर इसको टायरिंग करो। अगर कोई सिंगल ब्लेड की स्लोप है उसमें, तो देखो कितना टायर काट रहा है, क्योंकि स्लोप पे तो कंप्रेक्शन बिल्कुल नहीं ना होती, वो लूज मटेरियल निकाल के ब्लेड बाहर की तरफ फेंक देता है। दोस्तों टायरिंग करने के बाद ना, तो एक बार ब्लेड मार लें नीचे, एक तो आपको जो हमारी स्लोप की लाइन है नीचे की तरफ उसका मालूम पड़ जाएगा, तो दूसरा जो अप डाउन होगा ना वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा ग्रेटर स्लोप बनाने के लिए चलेगा इसके ऊपर, तो ग्रेटर ज़्यादा अप डाउन नहीं होगा, ऐसे हिले डुलेगा नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल स्टेबल होकर चलेगा। तो एक बार ब्लेड मार लें स्लोप कटिंग करने से पहले नीचे। दोस्तों ब्लेड निकाल लिया मैंने बाहर 90 डिग्री में, और ठीक है, ये आर्टिकुलेशन का यूज करके जो आगे वाला हिस्सा है ऊपर रखना, और पीछे वाला हिस्सा कोशिश करें भी नीचे रखें, स्लोप के ऊपर ना जाए, एक टायर चला जाए कुछ नहीं है, दूसरा टायर कम से कम भी प्लेन जगह में चलना चाहिए। और दोस्तों टायर लीन ऊपर की तरफ कर लें, क्योंकि ये टायर लीन का फंक्शन होता है ना, ये टायर टेढ़े जो करते हैं खास करके स्लोप के लिए होता है, ये देखो, ठीक है। GoPro लेके आऊँगा मैं एक ना, GoPro से ये काम करते वक्त कोई परेशानी भी नहीं होगी, उसको लगा के हेलमेट के ऊपर जब जुगाड़ करके कोई, तो आराम से बंदा करता रहेगा। मोबाइल भी पकड़ना मुश्किल है, और लीवर भी चलाने, क्योंकि स्लोप पे ज़्यादा लीवरों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हल्की हल्की कटिंग करें पहले, उसको जितना अप डाउन है उसको मैच कर लें, ज़्यादा कटिंग करने की कोशिश ना करें, नहीं तो जो आपका ग्रेडर अटक जाएगा। और 4x4 जरूर लगा ले इसका, ठीक है, डिफेंशर लॉक जिसको बोलते हैं। पहले हल्की हल्की कटिंग करें, ठीक है, ज़्यादा आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऊपर खापड़ सा बराबर हो जाएगा। कोशिश करें ग्रेडर सीधा चले, बस जितना ब्लेड में आ जाए मटेरियल उतना सही है, ऊपर तक नहीं जा रहा, लोग की हाइट ज़्यादा है।
ये देखो दोस्तों ऐसी कुछ कंडीशन आई है। अभी लूज ब्लेड मारा मैंने बिल्कुल, इसकी टायरिंग भी कर सकते हैं पर मैं टायरिंग करूँगा नहीं क्योंकि मैं कटिंग ही करूँगा इसकी, कटिंग करके नीचे उतारूँगा मटीरियल थोड़ा थोड़ा तो उससे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ थोड़ा ज़्यादा लूज है, यहाँ पर ब्लेड नीचे तो मैच कर होके चला, ऊपर मैच नहीं हुआ, ऊपर से मटेरियल नीचे उतारना पड़ेगा, वो एडजस्ट हो जाएगा खाली जगह में। और जब भी ब्लेड निकाले स्लोप काटे ना केयरफुली, क्योंकि आगे वाले टायर का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, बाकी पीछे वाले का भी। ये देखो दोस्तों किस कंडीशन में ग्रेडर चल रहा है, ठीक है, स्लोप बनाने के लिए। ये देखो, ये देखो दोस्तों ये बैक साइड से है, मुझे स्लोप निकाली है, ये देखो, ठीक है, लगभग तैयार हो गया। अभी एक बार टायरिंग करेंगे इसकी, फिर इसको बनाएंगे। हाँ जी दोस्तों, तो ये देखो जब स्लोप बनाते हैं ना, अगर स्लोप छोटी है तो कोशिश करें कि कम से कम भी ग्रेडर के जो एक साथ तरफ के टायर है ना पीछे वाले, वो जो प्लेन जगह है डाउन वाली जगह वहाँ पर चलें। और अगर लूज है तो आप 6 के 6 टायर ऊपर नहीं चला सकते स्लोप के कभी भी, ठीक है। अगर हार्ड है तो चल सकते हैं। और ये जो स्लोप है इसकी डिग्री कम से कम भी 45 डिग्री की होगी स्लोप जे, और ऊपर वाले टायर ऊपर रखें, ठीक है। और 4x4 जो जिसको डिफरेंशियल लोग बोलते हैं वो ज़रूर यूज़ करें। बिल्कुल लूज है, ये देखो टायर इसके आगे वाले कैसे सरकते हुए जा रहे हैं। कभी भी स्लोप बनाएं जल्दबाजी ना करें, ठीक है। ये जो स्लोप बनाई इसमें सवा ब्लेड लगा, यानी कि एक ब्लेड का और चौथा हिस्सा, ठीक है। ये देखो राम राम से, ठीक है, ये वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी है मैंने। तो दोस्तों स्लोप बना दिया, ठीक है। ये दोस्तों बहुत लूज था मटेरियल यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने जो बैक फिलिंग की है ना एक बार में कर रखी है इतनी बैक फिलिंग, तो स्टेप बाय स्टेप नहीं की, लेयर बाय लेयर नहीं की। अगर लेयर बाय लेयर करते, हर लेयर की रोलिंग होती है ना, तो इतनी लूज नहीं होती जो स्लोप होती है। तो इस पर टायरिंग करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करके फिर जहाँ तक स्लोप पहुँची है। देखो दोस्तों नीचे से स्लोप बनी हुई, काफ़ी हाइट है ये, पर ये बिल्कुल सैंड है, रेत है, यहाँ पर पकड़ नहीं करते ग्रेडर के टायर, तो फिर भी ये सही बन गया स्लोप। हाँ जी दोस्तों, तो स्लोप वाला काम हो गया ख़त्म, अभी जा रहे हैं दूसरी साइड पर। तो दोस्तों कभी भी स्लोप बनाए ना जल्दबाजी ना करें, क्योंकि स्लोप की डिग्री के हिसाब से उसके ऊपर काम होता है। अगर ज़्यादा मान लो 40 डिग्री तक स्लोप है तो उसके ऊपर ग्रेडर सीधा लेके जाने का रिस्क ना कर लें। अगर हाँ 40, 50 या 45 डिग्री तक अगर टाइट है बिल्कुल, स्लोप लूज नहीं है मटेरियल, तो सीधा लेके जा सकते हैं उसके ऊपर। कहने का मतलब 6 के 6 टायर उसके ऊपर चला सकते हैं, वो भी आपका जो ग्रेडर है बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके टंडम फंबम में प्ले नहीं होनी चाहिए, सील छूल कटी होती है। अगर सीलों में प्रॉब्लम है, टंडम जो टंडम होते हैं ग्रेडर के उनमें लीकेज है, फिर स्लोप के ऊपर ना लेके जाएँ, पूरा ज़्यादा लोड पड़ता है वहाँ पर, ठीक है, स्लोप के ऊपर जो नीचे वाले टायर होते हैं। तो अगर बिल्कुल आपके ग्रेडर के जो टंडम है उनमें प्ले नहीं है, बिल्कुल सही है, तो ही स्लोप के ऊपर सीधे लेके जाएं, नहीं ना लेके जाएं, नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उससे। बाकी दोस्तों कैसा लगा काम तो कमेंट करके बताना। अगर किसी भाई को जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ऐसे ही नया कंटेंट लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।